उत्तर प्रदेश के हरदोई में एसडीएम ने मंडी समिति शाहबाद में छापामार कार्यवाही को अंजाम देते हुए औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि किसानों ने एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव को शिकायत दी थी। एसडीएम ने केंद्र पर आए हुए हजारों क्विंटल धान के बारे में पूछा तो केंद्र प्रभारी सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसको लेकर एसडीएम ने केंद्र प्रभारियों को नसीहत देते हुए कहा कि धान की खरीद सही ढंग से कराए, साथ ही कई किसानों के धान की अपने सामने ही तोल करवाई। आपको बता दें कि किसानों की शिकायत पर एसडीएम मंडी समिति शाहबाद पहुंची, जिससे केंद्र प्रभारियों और बिचौलियों में हड़कंप मच गया और बिचौलिए वहां से 9-2-11 हो गए। एसडीएम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि किसान किस समय प्रवेश कर रहा है उसकी पूरी जानकारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के बिचौलिए अपनी ट्राली रात के अंधेरे में मंडी में गिरा देते हैं, जिससे यह किसका धान है इसकी जानकारी नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र प्रभारियों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। 5 किसानों को छोड़कर हजारों क्विंटल धान किसका है, इस बारे में केंद्र प्रभारी सही से जवाब नहीं दे पाए। एसडीएम ने कहा कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, जो भी धान बिचौलिए का पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम की कार्यवाही से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 20 ट्राली धान खरीदने की व्यवस्था की गई है, जिसका टारगेट 600 क्विंटल रखा गया है। एसडीएम अतुल श्रीवास्तव ने आए हुए किसानों का अपने सामने ही तोल कराया। उन्होंने कहा कि जिस केंद्र प्रभारी की भूमिका संदिग्ध नजर आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैंने जो है मंडी में किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मंडी गेट से ही कौन किसान किस वक्त किस टाइम पे प्रवेश कर रहा है, ताकि क्रमबद्ध तरीके से उसका जो है खरीदारी की जाए, पहली व्यवस्था तो ये की है। दूसरी जो है व्यवस्था ये है कि मेरी जानकारी बगैर कुछ किसान जिनका पता नहीं चल रहा है, वो 500 ट्राली ला करके जहाँ जो पड़ खरीदने का है रात में ला के ये लोग गिरा दिए। और मैं अभी तक 2 बज गया, मैं उन फड़ पे लगे जो है धान जो है 500 ट्राली धान के किसान का आवाज़ लगवा पूछ रहा हूँ किसका है, जिसमें से 5-6 किसान आए, 40-45 किसान आए नहीं। तो फिलहाल वो उसी तरह से पड़ा है, हमको जगह नहीं था खरीदने के लिए। किसान जो नए आ रहे थे हमारे पास, उसके लिए मैं जो फड़ पे पड़ा था उसको एक किनारे साइड में करा करके और जो किसान मिल गए उनका धान क्रय करके जगह बना लिया हूँ। अब मेरा क्रम से खरीदारी चल रही है, किसानों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जो धान अगर किसी बिचौलिए, प्रत्येक कागज को मैं यहीं वेरीफाई करा रहा हूँ, और जो धान बिचौलिए का पाया गया, पहले बात तो वो लोग नदारत हैं, उन्हीं लोगों का ये धान है। अगर वह कहीं से अगर बिचौलिया फिलहाल भाग गायब हैं, अगर वह कहीं से भी पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये केवल हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि ये धान लेने तो आवे लोग तहसील मंडी में, बिचौलिए हमारे प्रवेश करने के बाद भाग गए। अब ये धान पड़ा हुआ है तो मैं बैठा हुआ हूँ, जब तक इस धान का ओनर नहीं आएगा धान ऐसे पड़ा रहेगा। अगर बिचौलिया का होगा, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.